मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जंगल की आग का धुआं टोरंटो में फिजाई आलूदगी की आला सतह का बाइस बन गया। रवां हफ्ते के बेशतर हिस्से में हवा का खराब मयार बरकरार रह सकता है। जंगलात में लगी आग में इजाफे का खतरा। कैलिगरी के लिए गर्मी की वार्निंग जारी। कैनेडियन हुकूमत ने मुल्क में गैर मुल्कियों का दाखिला आसान कर दिया। 13 ममालिक के अहल अफराद बगैर वीज़े के कनाडा आ सकेंगे। वीज़ा केस लोड में हज़ारों दरख्वास्तों को कम करने में मदद मिलेगी। डेविड जॉनसन ने खुद पर की जाने वाली तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कैनेडियन हुकूमत के खसूसी नुमाइंदे का कहना था कि अपने काम को आगे बढ़ाने का इरादा रखता हूँ। गैर मुल्की मदाखलत पर जुलाई में अवामी समा शुरू करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा का सऊदी अरब का 3 रोज़ा अहम सरकारी दौरा। अमरीकी वजीर खारजा की सऊदी वली अहद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तआवुन पर तबादला ख्याल। ब्लिंकन सूडान से अमरीकी शहरियों के बाहिफाजत इनखिला पर सऊदी अरब के मशकूर। यूक्रेन में डैम तबाह, पानी शहर में दाखिल, हाई अलर्ट जारी। मास्को और कीव के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। रूसी और यूक्रेनी हुकाम ने फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा भर में जहां जंगलात में लगी आग हुकाम के लिए दर्द सर बनी हुई है, वहीं टोरंटो में फिजाई आलूदगी का सबब बन रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में जहां जंगलात में लगी आग हुकाम के लिए दर्द सर बनी हुई है, वहीं टोरंटो में फिजाई आलूदगी का सबब बन रही है। एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि सूबे के अंदर और इससे बाहर से जंगल में लगने वाला धुआं अगले कई दिनों तक टोरंटो में फिजाई आलूदगी की बुलंद सतह का सबब बन सकता है, क्योंकि मंगल की रात शहर के लिए हवा के मयार का खसूसी बयान नाफिज रहा। विफाकी मौसमियाती एजेंसी ने मंगल की शाम को एक ताज़ा तरीन बयान में कहा, क्यूबेक और शुमाल मशरकी ओंटारियो में जंगल की आग से उठने वाले धुएं के नतीजे में हवा का मयार खराब हो गया है। इस हफ्ते के बेशतर हिस्से में हवा का खराब मयार बरकरार रह सकता है। एनवायरनमेंट कनाडा ने कहा कि जंगल की आग के धुएं की वजह से हवा के मयार और हद निगाह में मुख्तसर फासले पर उतार चढ़ाव आ सकता है और इसमें हर घंटे की बुनियाद पर काफ़ी फर्क हो सकता है। एजेंसी ने मजीद कहा कि जंगल की आग का धुआं कम इर्तकाज में भी नुकसानदेह हो सकता है। एजेंसी ने कहा कि फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला अफराद, जैसे दमा, दिल की बीमारी में मुब्तला अफराद, बूढ़े अफराद, बच्चे, हामला खवातीन और बाहर काम करने वालों को सेहत के असरात का सामना करने का खतरा ज्यादा होता है। शहर के मुतादिद स्कूल बोर्ड्स धुएं के सबब स्कूलों को बंद करने पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब एनवायरनमेंट कनाडा ने कैलिगरी और जनूबी अल्बर्टा के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की वार्निंग जारी की है, क्योंकि आग का खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसमियाती एजेंसी ने मंगल को अपनी वेबसाइट पर बताया कि अगले 5 दिनों तक दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की तवक्को है, जो रात के वक्त कम से कम 14 सेंटीग्रेड के करीब रहने का इम्कान है। हुकाम के मुताबिक मुतवक्के बारिश खुश्क मौसम का मुकाबला करने के लिए नाकाफी है। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 13 ममालिक के पासपोर्ट रखने वाले अब आर्जी रिहायशी वीज़े की ज़रूरत के बगैर कनाडा जा सकेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि 13 ममालिक के पासपोर्ट रखने वाले अब आर्जी रिहायशी वीज़े की ज़रूरत के बगैर कनाडा जा सकेंगे।
उन ममालिक के मुसाफिर जिनके पास या तो पिछले 10 सालों में कनाडा का वीज़ा है या जिनके पास इस वक्त दुरुस्त अमरीकी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, वो अब हवाई जहाज से कनाडा जाते वक्त वीज़े के बजाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एंटीगोवा और बारबोडा, अर्जेंटाइन, कोस्टारिका, मराकेश, पनामा, फिलिपाइन, सेंट किट्स एंड नियोस, सेंट लोशिया, सेंट विंस्टेंट और ग्रेनाडाइंस, सेशल्स, थाईलैंड, टेरिनिडॉड और टोबागो, यूरुग्वे के शहरी इस सहूलत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कनाडा के इमिग्रेशन, महाजरीन और शहरियत के वजीर शॉन फ्रिजर का कहना था कि आज का ऐलान लोगों को सियाहत के शोबे में आने और देखने के मौके फराहम करने में मदद फराहम करेगा, अपने प्यारों के साथ ज्यादा मौसर तरीके से दोबारा मिल सकेगा और इसका इमिग्रेशन प्रोसेसिंग पर भी बहुत अहम और मुस्बत असर पड़ेगा। कनाडा ने 2015 में ETA प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। ये एक डिजिटल सफरी दस्तावेज है जिसमें ज्यादातर वीजे से मुस्तस्ना मुसाफरों को हवाई जहाज के जरिए कनाडा जाने की जरूरत होती है। हुकूमत का कहना है कि प्रोग्राम के आगाज से अब तक 20 मिलियन से ज्यादा ETA जारी किए जा चुके हैं और ये तवक्को है कि इन 13 ममालिक से 2 लाख से ज्यादा सैयाह अगले साल कनाडा आएंगे। वीजा फ्री सफरी तौसी कनाडा के वीजे केस लोड से हजारों दरख्वास्तों को घटा देगी। तवक्को है कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज और सिटीजनशिप कनाडा को वीजे की दरख्वास्तों पर ज्यादा मौसर तरीके से कार्रवाई करने की इजाजत दी जाएगी। गैर मुल्की मदाखलत के बारे में कनाडा के खसूसी नुमाइंदे डेविड जॉनस्टन ने अपनी गैर जानबदारी पर उठाए जाने वाले इल्जामात को बिल्कुल गलत करार दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की मदाखलत के बारे में कनाडा के खसूसी नुमाइंदे डेविड जॉनस्टन ने अपनी गैर जानबदारी के गिर्द घूमने वाले इल्जामात को बिल्कुल गलत करार दिया और कहा कि वो अगले माह अवामी समात शुरू करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। कमेटी में मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से उनके किरदार, इंतखाबी मदाखलत में उनकी रिपोर्ट, अवामी इंक्वायरी के खिलाफ उनके फैसले और मफादात के तसादुम के इल्जामात के बारे में सवाल किए जाने पर जॉनस्टन ने कहा कि मेंबरान पार्लियामेंट का उनकी साख पर हमलों को दोहराने का फैसला मुनासिब नहीं है। जॉनस्टन ने अपने इब्तदाई रिमार्क्स में कहा कि गैर मुल्की मदाखलत का मसला संजीदा और मजबूत बहस का मुस्तहिक है। मैं अपनी सिफारिशात पर इख्तिलाफ़ राय को दावत देता रहूंगा, लेकिन अपने काम को मुकम्मल करने से बाज नहीं आऊंगा। तरीक़ाकार और हाउस अफेयर्स कमेटी, जो चीन की तरफ से कनाडा के सियासी मामलों में मदाखलत की कोशिशों के इल्जामात की तहकीकात में पार्लिमानी क़यादत ले रही है, के सामने पेश होने से कबल जॉनस्टन 3 घंटे तक हॉट सीट पर थे। मीटिंग रूम में जाते हुए जॉनस्टन ने नामा निगारों को बताया कि वो अपने काम के बारे में बात करने के लिए बेचैन हैं ताकि काम को जारी रख सकें, और MPs को बताते हुए कि वो जुलाई में अवामी समात शुरू करने का इरादा रखते हैं। जॉनस्टन ने अपने मैंडेट में बाकी 5 माह के लिए अपने मंसूबों के बारे में बात करते हुए फ्रांसीसी जबान में कहा कि अगले महीने के आगाज से मैं अवामी समातों का इनेकाद करूंगा। उनका कहना था कि इस काम के लिए मुझे कौमी सलामती, इंटेलिजेंस, कानून और डायस्पोरा कम्युनिटी के मामलों में महारत रखने वाले 3 खसूसी मुशीरों की मदद हासिल होगी। हम मिलकर कनाडा के जमहूरी इदारों के तहफ्फुज के लिए ज़रूरी तब्दीलियों के बारे में सिफारिशात तैयार करेंगे और इंतहाई अहम कैनेडियंस का उन इदारों पर एतमाद होगा। अमरीकी वजीर खारजा 3 रोज़ा अहम सरकारी दौरे पर सऊदीया पहुँच गए। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और तआवुन पर बातचीत की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर खारजा 3 रोज़ा अहम सरकारी दौरे पर सऊदीया पहुँच गए। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और तआवुन पर बातचीत की गई। अमरीकी दबाव के बावजूद सऊदी अरब तेल की पैदावार कम करने के अपने फैसले पर कायम है, जिस पर वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने रियाद पहुंच गए। आलमी खबर इस अदारे के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन अहम सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें इसराइल और ईरान के साथ सऊदी ताल्लुकात, रूस यूक्रेन जंग पर मौकफ और पेट्रोल की पैदावार समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सऊदी हुकाम से मुलाकात के अलावा अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन रियाज में इस्लामिक स्टेट मुखालिफ इजलास में भी शिरकत करेंगे और खलीज तआवुन कौंसिल के वज़राए खारजा से मुलाकातें करेंगे। 6 ममालिक पर मुश्तमिल GCC में बहरीन, कुवैत, अमान, कतर, सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात शामिल हैं। मुलाकात के बाद अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने पूरी दुनिया बिलखसूस मशरिक़ वस्ती में इस्तेहकाम
सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़म किया। मैथिव मिलर ने मज़ीद कहा कि इस अज़म में यमन में अमन के हुसूल के लिए काम करना भी शामिल है, जहां सऊदी इत्तेहादी अफवाज और हौसी बागी 2014 से एक दूसरे के खिलाफ मुसल्ला और खूनी झड़पों में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जंग ज़दा सूडान से अमरीकी शहरियों की बाहिफाजत इनखिला को यकीनी बनाने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात इंसानी हकूक पर पेश रफ से मजीद मजबूत हो सकते हैं। सऊदी अरब की जानिब से ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने के बाद ब्लिंकन का ये पहला दौरा है जिसे मगरिब उसके मुतनाज़ा जौहरी सरगर्मियों और इलाकाई तनाजात में मुलविस समझता है। याद रहे कि वाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने भी 7 मई को सऊदी अरब का दौरा किया था और इन दौरों का मकसद इसराइल सऊदी ताल्लुकात की बहाली में किरदार अदा करना भी है। जनूबी यूक्रेन में मुल्क के अहम डैमों में से एक तबाह हो गया जिससे पानी शहर में दाखिल हो गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जनूबी यूक्रेन में मुल्क के अहम डैमों में से एक तबाह हो गया जिससे पानी शहर में दाखिल हो गया। रूसी और यूक्रेनी हुकाम ने फौरी इमदादी कार्रवाइयों की शुरुआत करते हुए शहरियों के इनखला में मसरूफ हैं। यूक्रेन में डैम को बमों से निशाना बनाए जाने पर मास्को और कीव ने एक दूसरे पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं, जबकि रूस ने मामले पर अक्वामे मुतहदा की सलामती कौंसिल का इजलास जल्द बुलाने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी और यूक्रेनी हुकाम ट्रेनें और बसों की मदद से रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। रूस के जेरे कंट्रोल इलाकों में तकरीबन 22,000 अफराद सैलाब के खतरे से दो चार हैं, जबकि 16,000 यूक्रेन के जेरे इंतजाम हसास इलाकों में रहते हैं। दोनों फरीकैन की तरफ से किसी शहरी की मौत या जख्मी होने की इत्तला नहीं दी गई है। डैम के नुकसान से घर, गलियां और कारोबारी इमारतों में सैलाब आ गया है और हंगामी अमले ने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया है। हुकाम ने ज़ेपोरेजिया जौहरी प्लांट में कूलिंग सिस्टम के लिए पानी की निगरानी कर रहा है। हुकाम ने यूक्रेन और रूस के जेरे कंट्रोल इलाकों में पीने के पानी की फराहमी पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के शहर खीरसन में एक बड़ा डैम तबाह हो गया जिससे करीबी इलाकों में सैलाब आ गया, फसलों के तबाह होने का खतरा पैदा हो गया, जबकि पीने के पानी की सप्लाई भी मुतासिर होने का खतरा है। रूस और यूक्रेन ने डैम की तबाही का एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किया है। हमले में काखोफका डैम के वाल्व तबाह हुए जिससे 3 देहातों में 10 फीट तक पानी खड़ा हो गया है और 22,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया है कि रूस माहौल की तबाही पर उतर आया है, जानबूझकर डैम तबाह किया गया है। रूसी हुकाम का कहना है कि डैम निशाना बनाकर अपने जेरे कब्जा इलाकों को सैलाब से मुतासिर क्यों करेंगे। यूक्रेनी हमले का मकसद क्राइमिया को पानी से महरूम करना था। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।